हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डायरेक्ट नीचे से थ्रेडिंग बनाना। सो गाइज, आप इनकी थ्रेडिंग देख सकते हैं। मैं इनकी थ्रेडिंग डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट करके थ्रेडिंग को बनाना बताती हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर नीचे से स्टिच कराया और उसके बाद मेरी स्टार्टिंग नीचे से थ्रेडिंग बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैं नीचे से थ्रेडिंग बना रही हूँ। वही सिंपल तरीका हमारा जो मैंने आपको और भी बाकी वीडियो में बताया हुआ है। नीचे से जो एक्स्ट्रा हेयर्स है उनको हटाते हुए हमें थ्रेडिंग में इस तरह से शेप देनी है। सो गाइस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ऊपर से ही थ्रेडिंग बनाएं, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई हुई है उनमें आपको यही तरीका बताया कि आप सबसे पहले मैं ऊपर से थ्रेडिंग बनाती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको थ्रेडिंग का धागा चलाना आता है अच्छे से तो आप डायरेक्ट नीचे से भी थ्रेडिंग को बना सकते हैं। तो गाइज देखिए, मैंने यहाँ से नीचे से इनकी थ्रेडिंग बना दी है और अब मैं स्टार्ट करती हूँ ऊपर वाले थ्रेडिंग बनाना। तो आप देख सकते हैं मैं अब ऊपर वाले थ्रेडिंग से एक्स्ट्रा हेयर्स हटा के थ्रेडिंग्स की शेप देने स्टार्ट करती हूँ। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सो गाइज, आप इस तरह धागे की कैंची बना के अब ऊपर से थ्रेडिंग की एक्स्ट्रा हेयर्स को हटाते हुए शेप दे दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली नेक थ्रेडिंग पर। पोजीशन मेरी पीछे की साइड है और मैं यहाँ पे स्टार्टिंग नीचे से करती हूँ और यहाँ से मैंने अच्छे से स्ट्रेच करा के आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले मैं थ्रेडिंग में शेप देना स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं उन्हें मैं हटाती हुई जो थ्रेडिंग है उसको क्लीन कर लेती हूँ कुछ इस प्रकार से। सो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो आगे से हेयर्स कुछ ज़्यादा मुझे हैवी लग रहे हैं, मैं इन्हें भी सेट करती हुई जाती हूँ। ये देखिए गाइस, एक एक दो जो हेयर्स आपको लगे ऐसे तो उन्हें हटाते जाइए। और ज़्यादा बाल हमें थ्रेड से नहीं हटाने। तो इस तरह मैंने अब नीचे की थ्रेडिंग बना के कंप्लीट कर लिया है। और अब बढ़ते हैं हम ऊपर की थ्रेडिंग की तरफ। और अब मैं यहाँ पर ऊपर की थ्रेडिंग में एक्स्ट्रा हेयर्स हटाते हुए उन्हें भी शेप देकर अच्छे से नीट एंड क्लीन बना लेती हूँ इस प्रकार से। सो गाइस देखिए, अब मेरी मैंने ऊपर से थ्रेडिंग जो है बना ली है और कुछ हेयर्स फॉरहेड के भी क्लीन मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं बढ़ती हूँ आगे, बिल्कुल माथे के बीच वाली जगह से मैं अब यहाँ से हेयर्स को क्लीन करने स्टार्ट कर रही हूँ। और जब यहाँ से हेयर्स अच्छे से क्लीन हो जाते हैं तो अब बारी आती है लास्ट थ्रेडिंग में फिनिशिंग देना। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इनको स्ट्रेच करा लेती हूँ और अब मैं आगे की साइड से थोड़े अपने जो धागे को पकड़ने का जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा तिरछा है, आप देख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से फाइनली फिनिश जो है थ्रेडिंग में देती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये लास्ट मेरी फिनिशिंग चल रही है थ्रेडिंग में। तो मैं इसमें जो मुझे एक्स्ट्रा बाल हेयर्स जो नज़र आ रहे हैं थ्रेडिंग के अंदर, मैं उन्हें हटा रही हूँ और इस तरह सेट करती हुई मैं इनको बना रही हूँ। सो गाइस, अगर आप भी मेरी वीडियो को देख के ट्राई करते हैं थ्रेडिंग बनाने की तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में लिख कर बताया करें। और भी उस थ्रेडिंग से रिलेटिव कुछ और भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यदि मेरी वीडियो से किसी को कुछ सीखने को मिलता है, मुझे बहुत रियली बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, आप प्लीज़ अगर आप मेरी थ्रेडिंग की वीडियो देख के अगर ट्राई करते हो तो आप बिल्कुल आप कोशिश किया करें। आपको मैं कह सकती हूँ कि आप इस तरह घर बैठे सीख सकते हैं। सो गाइस लीजिए, मैंने यहाँ पर जो थ्रेडिंग है लगभग मेरी कंप्लीट हो ही चुकी है और मुझे कुछ लगते हैं हेयर्स वहाँ से मैं कर लेती हूँ। तो लीजिए गाइस, बातों में बन चुकी है मेरी थ्रेडिंग। तो अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे फिर एक कल नई वीडियो में।